हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों में भगदड़ मची हुई है। वहीं चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उम्मीदवार सुखबीर कटारिया ने गुरुग्राम में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां पर सैकड़ों लोगों का जन सैलाब उमड़ा। इसी दौरान कांग्रेस उम्मीदवार सुखबीर कटारिया ने बीजेपी को जमकर कोसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया। अगर वो खुद विधायक चुनकर आते हैं तो रोजगार, पानी, पॉल्यूशन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर काम करेंगे। साथ ही सुखबीर कटारिया ने अपनी वायरल हो रही वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि ये बीजेपी सरकार की एक चाल है जो मुझे बदनाम करने में लगी है। भारत माता की जय उनके रग रग में बसी है। एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ बार वो भारत माता की जय बोलते हैं। देखो, आज आपने देखा है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के साथी हैं, पूरे अपने एरिया के आए हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि भारत माता की जय। और भारत माता की जय निश्चित रूप से पूरी जी जान से आज इस बीजेपी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का पूरी जज्बा लेके आ रहे हैं। देखो, वो एडिट करके और ये बड़ी छलावे के साथ ये लोग बाग बीजेपी वाले परेशान हो गए हैं और निश्चित रूप से इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको अपनी आने वाली 30 तारीख को हार दिखाई दे रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय हैं और हमारे रोम रोम में, हमारे कण कण में भारत माता की जय है और हमेशा रहेगी। एक बार नहीं, लाख बार भी नहीं, करोड़ों बार भारत माता की जय है। हमारे मरते दम तक भारत माता की जय रहेगी। इसी के कारण जी रहे हैं, इसी के हम सांस ले रहे हैं इसी धरती पर। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही ऐसी चीज है जो एक पल भी हम जी नहीं सकते। बता दें कि सुखबीर कटारिया ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अब गुरुग्राम में भारत माता की जय नहीं चलेगी, बल्कि गुरुग्राम में सुखबीर कटारिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनिया गांधी की जय चलेगी। जिसके बाद सुखबीर कटारिया का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कटारिया विवादों में गिर गए। फिलहाल सुखबीर कटारिया ने इस बयान पर सफाई दी है और जनता से वोट की अपील की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि सुखबीर कटारिया को जनता का कितना साथ मिलता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।